राम भाऊ जी ने जैसे बताया कि उन्होंने गुरु मंत्र दिया है, तो मैं ये कन्फेस करना चाहता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में रामभाव के अनुभव का फायदा ये मेरे जैसे व्यक्ति को भी हुआ। मैं जब पहली बार विधानसभा में चुनकर गया था, उस समय लोकसभा में वहां के सेक्रेटरिएट ने चुनकर आए हुए विधानसभा के सदस्यों के लिए एक अभ्यास वर्ग रखा था और उस अभ्यास वर्ग में हमको मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय रामभाऊ आए थे। और उस समय चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधियों को रामभाऊ ने एक बड़ा अच्छा मंत्र दिया था और वो मंत्र ये था कि आप जब विधानसभा में रहते हो तो ऑलवेज रिमेंबर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, व्हाइल यू आर इन द हाउस ऑलवेज रिमेंबर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड व्हाइल यू आर इन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑलवेज रिमेंबर योर वर्क इन हाउस। आप जब मतदार संघ में रहते हो तो आप विधानसभा को याद करिए। मतलब यह है कि विधानसभा में जब आप अपने मतदार संघ को याद करोगे तो जब भी विषय आएगा तो आपके दिमाग में होगा कि मेरे भी मतदार संघ का ये विषय, आप वो विषय को वहाँ रखोगे और आपको न्याय मिलेगा, आपके लोगों को न्याय मिलेगा। और जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते हो उस समय जो भी प्रॉब्लम आपको ध्यान में आता है, अरे ये तो मैं विधानसभा में रख सकता हूँ, इसके ऊपर मैं कॉलिंग अटेंशन मोशन कर सकता हूँ, इस पर मैं प्रश्न कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं डिबेट कर सकता हूँ, तो दोनों तरीके से आप अपने लोगों को न्याय दे पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो गुरु मंत्र उस समय रामभाऊ ने दिया था, मेरे अभी करीब 22-23 साल का लेजिस्लेचर करियर हुआ है, हमेशा उसको याद रखते हुए मैंने लेजिस्लेचर में काम किया और उसका बहुत फ़ायदा ये मुझे हुआ। और अब पिछले 10-15 साल से मैं लोगों के बीच या नए जो मेंबर्स आते हैं विधानसभा के उनके बीच उनको प्रशिक्षित करने के लिए जाता हूँ, तो हमेशा रामभाऊ का नाम लेकर उनको कहता हूँ कि ये जो मंत्र रामभाऊ ने दिया है इसका मुझे भी फ़ायदा हुआ और आप लोग भी इसका फ़ायदा लीजिए।